नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर शराबबंदी को लेकर मैदान पर उतर आई और अब उन्होंने इस पर अपना पूरा फोकस रखने की बात कही है। इस बार उनका ऐलान है कि वे शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर लोगों से पूछेंगी कि वे अपने क्षेत्र में दुकान चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि शराब की नई नीति आना चाहिए और इसके लिए इसी महीने मीडिया के सामने फिर अपनी बात रखेंगी। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ दिया है। पिछले दिनों उन्होंने भोपाल के तरावली स्थित देवी मंदिर के पास की एक शराब दुकान के सामने खड़े होकर पूछा था कि वे यहां शराब की दुकान चाहते हैं कि नहीं। लोगों ने मंदिर के पास शराब की दुकान का होना विरोध किया। भारती ने कहा कि अब वे इसी तरह दुकान की सामने पहुंचकर लोगों से उनके बारे में राय जानेंगी। उमा भारती ने कहा कि शराब नीति में स्पष्ट है कि अगर किसी क्षेत्र के लोग शराब की दुकान नहीं चाहते तो वहां से उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। जब उनसे मध्य प्रदेश सरकार के हेरिटेज शराब नीति को लेकर सवाल किया तो उन्होंने नई शराब नीति की जरूरत बताई। भारती ने कहा कि इसी महीने वे इसको लेकर फिर मीडिया के सामने आएंगे और नई शराब नीति के बारे में बात करेंगी। क्योंकि कोरोना काल से मुझे ये समझ में आया कि कोरोना में एक भी व्यक्ति कोरोना काल में शराब नहीं पीने से नहीं मरा। मतलब लोगों को शराब मिली नहीं, दुकानें बंद रही, लेकिन एक घटना ऐसी नहीं हुई कि उसने शराब नहीं पिए इसलिए वो मर गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। हाँ, दुकानें खुली और लोग मरे, जहरीली शराब से भी मरे और पियक्कड़ लोग भी मरे। और इतना नुकसान करता है, दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, घरों की इनकम कम होती है, स्त्रियां संकट में हैं, बच्चों की पढ़ाई संकट में है। इसके लिए 3-4 प्रयोग हैं, हरियाणा का है, बिहार का है, गुजरात का है और आंध्र का है, जिसमें आंध्र और हरियाणा का बंद हो गया। गुजरात का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आज तक चल रहा है। बिहार के बारे में नीतीश कुमार जी का लोग मजाक बनाते रहते हैं, तुम्हारे MLA पीते पकड़े गए, तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हटा नहीं अपनी नीति से। उसने कहा कि पहले लोग बादशाह की तरह पीते थे, अब चोर की तरह पिएंगे, पीने वाले को लगेगा कि मैं चोर हूँ। तो जितना भी मैं रोक सका उतने में ही मुझे अपनी सार्थकता का बोध होता है। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।